अभी हम हरियाणा के नूह डिस्ट्रिक्ट के कोल गांव में मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां रकबर खान का घर है। रकबर खान को 21 जुलाई की रात एक भीड़ ने यहां से 20 किलोमीटर की दूरी पे, एक जगह है लाला वंडी, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के रामगढ़ तहसील में वो जगह है जहां पे उनको एक मॉब ने घेर के मार दिया 21 जुलाई की रात में। साइला, आप किस क्लास में है? पांचवी। पांचवी में है? किसने कराया था एडमिशन आपका? अब्बा ने। अब्बा ने कराया था। अब कौन कराएगा? चाचा। चाचा कराएंगे। पढ़ना है आपको? आगे पढ़ेंगी जी। क्या करना है आगे? पढ़ना जी। वो यहाँ से गाय लेने के लिए शाम को जाते हैं, क्योंकि गाय लेना पड़ता है, दूध देखना पड़ता है उसका, तो इसकी वजह से वो शाम को गए। वहाँ पे उन्होंने दूध देखा गाय का, और वहाँ से दूध देखने की वजह से लेट हो गए, तो लाडपुर से गाय खरीदी, और दो गाय खरीद करके ये उनको लेकर के आ रहे थे, तो रास्ते में कुछ गुंडे लोग इनको मिले और उन्होंने इन पर फर्स्ट में फायर किया, बाद में फायर की आवाज़ से घबरा गए और उन्होंने फिर तुरंत इनको ऊपर लाठी और डंडों से वार किया। वार करने से ही रकबर की उस रकबर आगे थे और जो असलम थे वो पीछे थे, रकबर को उन लोगों ने वहीं पर मार डाला। तो असलम थे वो थोड़ा हट वहाँ से एक साइड होकर छुपके से उन लोगों की बातें सुन रहे थे। वो आपस में बोल रहे थे कि नबल किशोर क्या करना है वगैरह वगैरह, वो चार पांच नाम ले रहे थे, तो उन्होंने क्या करना है वो बोल रहे थे, अपना आदमी विधायक साहब हैं और कोई दिक्कत नहीं, इसके हाथ पैर तोड़ दो और बाद में मर जाएगा तो इसको जला देंगे। जब उन्होंने मौके पे इसको मार दिया तो बाद में पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया, फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया, पुलिस के साथ मिली भगत करके उन लोगों ने इसको टाइम को घुमाया फिराया, 12:41 पर कॉल किया है। फिर बाद में उन्होंने इसको की जब इनको मारा था उस नाइट में बारिश हुआ था, वहाँ पे कीचड़ हुआ था, तो पूरा जब कीचड़ में हो रहे थे तो पानी डाल के उसको साफ़ किया, उसके कपड़े चेंज किए, मतलब उसके सबूत को मिटाने की वजह से ये लोगों ने ये काम किया। बाद में उसको पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया, बाद में पुलिस आया उसको लेकर इधर उधर घुमाया, वो बोल रहे हैं कि हमें 12:41 पर कॉल कर दिया, अभी इसका कितने टाइम के बाद में पुलिस उधर आई, कब आई, वो हमको करेक्ट मालूम नहीं है। आप देख सकते हैं रकबर खान का ये घर है, ये बेसिकली ये जो एस्बेस्टस वाला मकान है, ये छोटा सा यही घर है रकबर खान का। रकबर खान को 7 बच्चे हैं, सबसे जो बड़ी बच्ची है वो 13 या 14 साल की बच्ची है, 5th क्लास में पढ़ती है, और सबसे छोटी बच्ची 2.5 या 3 साल की है। जितने मेवात में मुस्लिम हैं सारे ही समुदाय के लोग हैं जो गौपालक हैं, सदियों से पालते आ रहे हैं। रकबर के पिताजी हैं वो 70 से दूध का ही काम करते आ रहे हैं। रकबर खान बेसिकली एक डेयरी फार्मर थे, उनके पास कई गायें अभी भी मौजूद हैं। डेयरी फार्मर हैं इसलिए ये दूध निकाल के बेचते थे, यही उनका सोर्स ऑफ इनकम था। हमारे पास सुबह में पुलिस का, हमारे गांव का सरपंच है हरलाल, उसके पास उन्होंने फ़ोन किया, सुबह 7-8 के बीच में फ़ोन आया, और हरलाल ने इधर आके बताया कि आपका लड़का जो रकबर है वो रामगढ़ थाना में है और उसकी डेथ हो गई। ये सब जो हो रहा है बीजेपी के सहारे ही हो रहा है, किसी कानून में नहीं लिखा किसी के साथ धक्का, क्यों, सभी लोगों को आज़ादी का एक अधिकार मिला हुआ है। पीछे भी आपने देखा है, चाहे रेप की घटनाएं हैं, चाहे ये गौरक्षक कर रहे हैं, लड़की सेफ नहीं है, इंसान सेफ नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी बाहर घूमना छोड़ें, पहले अपने इस देश के बारे में सोचें कि आपके देश के अंदर क्या हो रहा है। अब्बा क्या कहते थे आप, क्या बात होती थी अब्बा से? काम बताते थे। काम बताते थे, क्या क्या काम करने को कहते थे? दूध निकालना। दूध निकालना, रोटी बनाना। रोटी बनाना,
कितनी गाय है आपके पास? 5। अब भी 5 गाय है? रकबर भाई था जो, वो मजदूरी करता था और गाय का दूध बेचता था। गाय का दूध बेच करके घर के परिवार को चला रहा था। खर्चा जो है फैमिली परिवार का जो खर्चा है वो दूध से चला रहा था। अभी गाय ने दूध कम कर दिया, इसके लिए वो गाय लेने के लिए गया। अच्छा, और अब्बा जब गए थे उस दिन तो क्या बात हुई थी आपसे? कुछ नहीं। मम्मी से भी। मम्मी से भी थी। क्या बात हुई थी? दूध की गाय लेने जा रहा हूँ। दूध की गाय लाने जा रहा हूँ। अच्छा, तो मम्मी ने मना किया था? क्या बोला था मम्मी? कोई रात मार दे, दिन में ले आयो। क्या? दिन में निकाल लायो। दिन में निकाल लायो। अच्छा, पापा ने कह रहा दिन में ना निकलन दे। पापा ने कहा दिन में नहीं जाएंगे, रात में जाएंगे। सिंगल ब्रेड विनर जो था घर का, वो उसको मार दिया गया, बेरहमी से मार दिया गया। एक तरफ ये जो क्राइम हुआ है उस, वो राजस्थान में हुआ है। ये रहने वाले हरियाणा के हैं। हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से इनको कंपनसेशन तो ज़रूर मिला है, राजस्थान की गवर्नमेंट से इनको किसी तरह का कोई कंपनसेशन नहीं मिला है। इनका ये कहना है कि पुलिस, ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि पुलिस इस पूरे केस को कवर अप करना चाह रही है। चूँकि ये बात आई थी कि रकबर खान की मौत पुलिस कस्टडी में हुई, लेकिन ये इस फैमिली वाली इस थ्योरी को रिजेक्ट कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि पुलिस कवर अप करना चाह रही है पूरे इशू को। रकबर की मौत पुलिस के हाथों नहीं हुई, बल्कि वो जो सेल्फ क्लेम्ड गौरक्षक हैं उन्होंने रकबर को मारा है। आपको क्या लगता है, आपके बेटे की मौत का इंसाफ मिलेगा आपको? भरोसा तो है जी, मिलेगा हमको इंसाफ।